गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF दे अधिकार खेतर नूं वधा दित्ता है, जिस तों बाद सियासत दे विच तरथली मच गई है। इस फैसले बारे पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया है, जिस दे विच मुख्यमंत्री चन्नी ने लिखा है कि मैं अंतरराष्ट्रीय सरहदां दे नाल चल रही 50 किलोमीटर पट्टी दे अंदर BSF नूं वाधू शक्तियां देण दे भारत सरकार दे इक पासड़ फैसले दी सख्त निंदा करदा, जो कि संघवाद ते सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं अपील करदा कि ओह इक तर्कहीन फैसले नूं तुरंत वापस लवे। जिक्रयोग है कि गृह मंत्रालय ने BSF दे अधिकार खेतर नूं वधा दित्ता है। यह BSF अधिकारियों नूं पछमी बंगाल, पंजाब अते असाम दे विच देश दी सरहद नाल लगदे 50 किलोमीटर तक दे खेतरां दे विच तलाशी, गिरफ्तारी अते जब्त करन दीआं शक्तियां मिल गईआं ने। भाव 50 किलोमीटर दे दायरे दे अंदर BSF कोल हुण पुलिस दे बराबर शक्तियां होणगीआं। गुजरात विच BSF अधीन सरहद दी हद 80 किलोमीटर तो घटा के 50 किलोमीटर कर दिती गई है, जदों कि राजस्थान दे विच एह सीमा पहलां ही 50 किलोमीटर है। उत्थे ही दस दिए कि केंद्र सरकार दे इस फैसले नूं लै के विरोधियां वल्लों निशाने साधे जा रहे ने ते केंद्र सरकार दे इस फैसले दे खिलाफ डट गईआं ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस फैसले दी निंदा करदिआं इस नूं वापस लैण दी मंग कीती है। इस तों इलावा उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी निंदा करदिआं कहा कि केंद्र दा इह फैसला पंजाब नूं एमरजेंसी वल तक रिहा है, अजिहा ना कीता जावे तां जो लोकां दीआं मुश्किलां वध जाण। इस मामले दे विच देखण वाली गल होवेगी कि जिस तरीके नाल विरोधियों वल्लों केंद्र सरकार नूं घेरिया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपना यह फैसला वापस लवेगी।